वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन टूर व्हिच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस। ये हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने कल कुछ प्रश्नों को कवर किया था, उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। प्रभावित यहाँ दिया है, प्रवाहित आप इसको कर लीजिए, प्रवाहित नहीं होती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं बहती उस नदी को बताना है। सोन, हिंडन, गंडक और शारदा। तो इसमें से गंडक नदी है जो कि यूपी में नहीं बहती है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो आपको नदियों से क्या पढ़कर जाना है, किस प्रकार के प्रश्न पढ़कर जाना है, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा प्रश्नों से। जैसे कि ये एक प्रश्न ये आया, और भी आगे देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप टॉपिक को जब भी पढ़ें, जैसे नदियाँ पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो देख लें कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी बहती है, किस नदी का उद्गम कहाँ पर होता है और वो कहाँ पर मतलब उसकी शुरुआत होती है, कहाँ पर अंत होता है और कहाँ से कहाँ तक बहती है। और एक और चीज़ जो कि इसी में आ जाती है, या फिर अलग से भी आप पढ़ सकते हैं कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर, कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो ये भी आपको पढ़ना है, जिनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर लखीमपुर खीरी। इसको आपको कवर भी करा देंगे, अभी हम जो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें ही शायद आज में ही आपको देखने को मिल जाएगा, सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं और जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश जिनसे, तो कौन कौन से ज़िले लगते हैं, कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ये सारा कुछ आज के वीडियो में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुशीनगर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर है ब्रुनेई, ब्रुनेई के साथ नहीं करता है। अब आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी है। अब इंडोनेशिया इसलिए यहाँ पर क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है, द्वीपीय शहर है, और इसके अलावा आपको जो सार्क कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, सार्क कंट्रीज़ हैं और विश्व बैंक की कंट्रीज़ हैं, इनके ज़रूर देख लेने हैं कि ये इनकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, इनके आसपास के सागर कौन कौन से हैं। तो हर एक देश, देखिए देश तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हर एक देश का नहीं पूछा जाता, पूछे जाएंगे कौन से जो या तो चर्चा में हैं, करंट अफेयर का पार्ट रहे हैं, वो देश पूछे जाएंगे, या फिर जो विशेष संगठन है, प्रमुख संगठन है जिनका पार्ट भारत भी है, उन संगठनों के देशों से पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। या फिर कहीं पर लेटेस्ट किसी एक संगठन की मीटिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, जैसे कि विश्व जलवायु सम्मेलन कहीं पर हुआ है, ओलंपिक कहीं पर हुए हैं, तो उन देशों से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। टोंगा, तुवालु, ताहिती, तीनियन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जापान, चीन, रूस या फिर यूएसए। तो यहाँ पर सही उत्तर चीन हो जाएगा। ये वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, जो हम ये डेटा होता है खनिजों का और फसलों का, इसको भी हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ प्रॉमिस कहते हैं। तो मिडानाओ एक शहर है, मिडानाओ को लैंड ऑफ प्रॉमिस बादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहे हैं या फिर ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो किस प्रकार के प्रश्न हैं, आपको इस तरीके की चीज़ें पढ़कर ही जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं जो है वो बताना है, देश और राजधानी। देखिए कल ही आपको एक जो था उसमें हमने वीडियो में कल जो प्रश्न कवर किए थे उसमें ही बताया था एक टॉपिक कि आपको देशों के कैपिटल पढ़कर जाना है, और यहाँ पर देखिए देशों की राजधानी से प्रश्न बन भी गया। एंटीगुआ और बारबुडुआ और डोमिनिका, अल सेल्वाडोर, बहामास, ठीक है। तो इनके कौन कौन सी राजधानी, राजधानियाँ, मुद्रा, ये आपको हर एक देश की पढ़नी है। आप कोई भी बुक देख लेंगे कहीं पर भी, आपको इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ज्योग्राफी में। अभी आगे जब ज्योग्राफी हमारी सीरीज चलेगी तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, नहीं तो आपके पास जो भी नोट्स हैं कहीं के भी हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप उन नोट्स में ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लें। आपको सारे देशों के, सभी देशों की राजधानी और मुद्रा अच्छे से याद कर लेनी है, इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न दिया गया है फसल और देश जो सही सम्मिलित नहीं है वो हमें छांटते हैं। रबड़ थाईलैंड में होता है, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील। यहाँ सही उत्तर है कहवा मंगोलिया से सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, राज्य और गर्म झरने। ये प्रश्न वो ही है जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है और RO ARO के क्वेश्चन हैं, UPPCS के हैं। तो ये पैटर्न आपको बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो हैं यही फॉलो करना है, क्योंकि आयोग यही पूछता है, ऐसे ही प्रश्नों को पूछता है। आयोग का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो यही रहता है। कुछ आपको बिल्कुल आसान से प्रश्न मिलेंगे, कुछ आपको मीडियम लेवल के प्रश्न मिलेंगे, कुछ एकदम कठिन प्रश्न मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। अगला प्रश्न है राज्य और गर्म झरने, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में ताप्ता पानी है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है और गुजरात में नारायणी है। तो ये गुजरात वाला गलत हो जाएगा, नारायणी गुजरात में नहीं है, ये तीनों सही हैं। अब इस टॉपिक को भी, ये टॉपिक या तो आप नोट कर लीजिए कि आपको ये पढ़ना है, और ये यहाँ पर भी हम कवर कराएंगे राज्य और गर्म झरने। गर्म झरने कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इसको हम कवर करा देंगे, और भी झरनों से रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लेकर आएंगे, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। अब देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर भिलाई जो है ये नदी तट पर अवस्थित नहीं है, बाकी सारे नदी तट पर अवस्थित हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोक नृत्य, लोक नाट्य और जनजातियाँ, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये जो तमरिया जनजाति है ये झारखंड की है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसमें से बुलर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए हैं और राजधानी नहर दिए हैं, न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है, क्वींसलैंड कहाँ पर है, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू साउथ वेल्स है सिडनी के पास, क्वींसलैंड जो है इसका जो लोकेशन है ये ब्रिस्बेन के पास है, राजधानी शहर ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की राजधानी शहर हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा मेलबॉर्न का, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को मिला लेंगे हम पर्थ से, ठीक है ना, ये सही इसका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, दल्ली पाली, दादरी, सिंगरौली या फिर विंध्याचल। तो इसमें से दूसरा तीसरा सही है, दादरी और सिंगरौली। सिंगरौली का एक क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आता है और उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। अब ऐसे प्रश्न UPSC बहुत पूछता है, और UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पर UPSC को ही फॉलो करता है, UPPSC, स्टेट PCS, ठीक है ना। तो ये आपको पैटर्न एग्जाम में UPPCS में भी अब देखने को मिलने लगा है। तो यहाँ पर बाल्टिक सागर के तट पर जो नहीं है वो है स्वीडन और नॉर्वे, बाकी सभी बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसमें सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, दूसरा वाला कथन गलत दिया है, ऑप्शन एक हम सही उत्तर चुनेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कावेरी, बाकी की तीन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पूछा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये कावेरी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम प्रश्नों का पैटर्न देख रहे हैं कि आपको कैसे प्रश्न पढ़ने हैं, उसी आधार पर आपके आगे ये टॉपिक कवर कराए जाएंगे, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सारे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, JP नगर। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बिजनौर में। बालकास झील निम्नलिखित में से किस देश में है, बालकास झील कजाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे हम थर्ड पार्ट में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तीन तीन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।